तो पेज इंडस्ट्री का चार्ट का स्ट्रक्चर में देखता हूँ तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गिरावट देखने को मिला हुआ था लास्ट टाइम का रिज़ल्ट बहुत ही पुअर आया था और रिज़ल्ट खराब होने की वजह से स्टॉक के अंदर इंट्राडे में आप लोग देखोगे तो कितना परसेंट का फॉल यहाँ पर देखने को मिल रहा था करीबन 14 15 परसेंट का फॉल यहाँ पर देखने को मिल रहा था बट कुछ स्टॉक सस्टेन किया और फिर थोड़ा बाउंस दिखाया और वापस स्टॉक के अंदर फॉल ही हमें देखने को मिल रहा है अब थोड़े बड़ी टाइम फ्रेम का अगर मैं चार्ट का स्ट्रक्चर देखता हूँ तो आप लोग देखोगे कि पेज इंडस्ट्री दो के जो हाई लगाए थे उस लेवल पे 2023 में अभी मिल रहा है बट स्टॉक के अंदर पिटाई क्यों हो रही है रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं राइट right? और जो भी लोगों को टेक्निकल एनालिसिस के बारे में पता है तो आप लोगों को ये पैटर्न क्लियरली दिखेगा हेड एंड शोल्डर पैटर्न राइट सो सभी टाइम फ्रेम का चार्ट का स्ट्रक्चर में देखता हूँ तो चार्ट का स्ट्रक्चर ठीक नहीं है दोस्तों री थर्टी सिक्स थाउजेंड का लेवल है ना थर्टी सिक्स थाउजेंड का लेवल बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर थर्टी सिक्स थाउजेंड के लेवल के नीचे अगर ये पेज इंडस्ट्री ट्रेड करना स्टार्ट किया ना तो ये स्टॉक के अंदर बड़ी गिरावट हमें आने वाले दिनों में दिखाई दे सकती है और स्टॉक के अंदर थर्टी थाउजेंड तक के भी लोअर लेवल हमें आने वाले दिनों में दिखाई दे सकते हैं सो माय रिकमेंडेशन इज़ कि पेज इंडस्ट्री से अभी थोड़ा फ़िलहाल दूर रहिए ठीक है ठीके? क्योंकि रिज़ल्ट भी लास्ट टाइम का रिज़ल्ट काफ़ी पुअर आया था एक बार ये नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आ जाने दीजिए और टेक्निकल के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि थर्टी सिक्स थाउजेंड के लेवल के नीचे जैसे ही सस्टेन करना चालू करता है ना फॉल जरूर से आप लोग देखिएगा ठीक है सो पेज इंडस्ट्री में कुछ ना करने की एडवाइस है बट प्राइज एक्शन ज़रूर से आप लोग देखिएगा माय मेक और ब्रेक वाला जो लेवल है एल है लाइन ऑफ कंट्रोल है लक्ष्मण रेखा है वो थर्टी सिक्स थाउजेंड का लेवल है तो ज़रूर से आप लोग देखिएगा दोस्तों